हाँ जी नमस्कार साथियों सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लाइव क्लास को हाँ जी मोनिका बिलरे गुड इवनिंग राजू गुड इवनिंग प्रद्युमन अहिर संजय मीणा सभी को वही गुड इवनिंग हाँ जी राजवीर सिंह नमस्कार भाई राजवीर सिंह आज थोड़ी सी ऐप के अंदर दिक्कत हो गई थी क्लासों के लिए ठीक है ना वो तो क्या हुआ कि शेड्यूल दो क्लासों का लग चुका था एक ही क्लास के लिए ठीक है तभी मैं आप सभी साथियों के कमेंट नहीं देख पा रहा था और बार बार आपसे यही पूछ रहा था कि भाई क्लास के अंतर्गत कोई मिस्टेक तो नहीं चल रही है ठीक है हाँ बाकी क्लास पूरी हुई थी वो वाली दिक्कत नहीं थी बस थोड़ी सी दिक्कत थी कि आपके कमेंट नहीं देख पाया था ठीक है हाँ जी एक बार सभी क्लास को जरूर शेयर करें भाई ठीक है तो देखिए टोटल 95 क्वेश्चन अपन भाई पिछली क्लासों के माध्यम से क्या कर चुके हैं हल कर चुके हैं ठीक है आज स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों को तो देखिए भाई 96 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई पूछा गया है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है कि भाई व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज भाई थोड़ी सी क्वेश्चनों की संख्या आज बढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि देखिए असाइनमेंट आपका निम्मी असाइनमेंट है और आप सभी को भी पता है कि भाई बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर अपन को रिपीट मिलते हैं ठीक है तो जरूर आज थोड़े से क्वेश्चन अपन बढ़ाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो देखिए कमेंट पर नहीं जाना चाहूंगा देखिए अपने क्वेश्चन का राइट आंसर बताया गया है कि भाई एक टेपर प्लग गेज का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा तो साथियों आप देख सकते हैं टेपर प्लग गेज जो आपका रहेगा यह किसी न किसी छिद्र या फिर स्लोट के लिए क्या लिया जाएगा काम में लिया जाएगा तो भाई टेपर प्ले गेज के लिए आप क्या बता सकते हैं इनी के 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 अंदर अंदर से कि भाई चेक होल विट विट कि भाई भाई एक के साथ छेद की जाँच करना। दो है अंदर के थ्रेड की जाँच करना करना है और ऑप्शन डी है भाई बाहरी व्यास की टेपर एक्यूरेसी की जांच करना तो देखिए साथियों टेपर प्लग गेज का उद्देश्य पूछा है तो सिंपल सी बात यहाँ से क्या बात याद रख पाएंगे कि भाई जो आपका टेपर प्लग गेज रहेगा यह क्या करेगा भाई यह परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की आपको क्या कर दे सकता है जांच कर कर दे सकता है ठीक है ना किसकी जांच करेगा देखिए ऑप्शन नंबर सी और ए इन दोनों में कुछ अंतर है कोई भाई सी की जगह ए मत बता देना ठीक है ना क्योंकि यहाँ केवल क्या दिया गया है होल दिया गया है यहां आपको क्या दिया गया है भाई टेपर्ड होल दिया गया है तो टेपर प्लग गेज तो किसकी जांच करेगा आपके टेपर होल की जांच करेगा तो भाई क्वेश्चन नंबर 96 के लिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहने वाला है भाई ऑप्शन नंबर सी भाई ठीक है आगे देखिए चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो भाई क्वेश्चन नंबर नाइनटी बढ़िया क्वेश्चन को क्या दिया गया है एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लोट क्यों दिए जाते हैं तो भाई जो आपका एडजस्टेबल रिंग लेप होता है जो आप लेपिंग के अंतर्गत काम में लेते हैं तो भाई उसके अंतर्गत स्लोट देने का मुख्य क्या कार्य है भाई पहले भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप सभी को इसी के संबंध में आंसर बताना चाहूंगा देखिए जी एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लोट स्नेहन के लिए दिए जाते हैं क्लियरेंस के दिये लिए दिए जाते हैं विस्तार के लिए या फिर लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति के लिए तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो लेपिंग रिंग लेप होता है भाई आपका समायोज्य रिंग लेप उसके अंतर्गत स्लोट देने का मुख्य काम क्या रहेगा भाई कि भाई आपका जो लेपिंग कंपाउंड रहेगा इसको फीडिंग की अनुमति देना या फिर आप बता सकते हैं हाँ आप इसी के संबंध में बता सकते हैं हम्म तो देखिए आप बता सकते हैं इसी के क्वेश्चन के संबंध में नाइनटी सेवन के लिए अच्छा एक्सपेंशन किन्ों इन्होंने बताया भाई राजवीर सिंह एक्सपेंशन विस्तार बता रहे हैं वो विस्तार किसके संबंध में है थोड़ा सा याद रखना विस्तार है स्लिट के संबंध में ठीक है ना न की स्लोट के संबंध में स्लोट को आप क्या बोलेंगे यहाँ से आप बोलेंगे भाई अपने ग्रुह बोलेंगे ठीक है ना स्लिट का पूछे ना यानी कि झीरी का पूछे तब विस्तार बताना है भाई राजवीर ठीक है आगे चलता हूं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो भाई 97 के बाद में क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए एक बार कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा भी होता है कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा अपघर्षक है जो महंगा होने के साथ साथ इसके अंतर्गत क्या होता है भाई उत्कृष्ट कटाई का गुण भी नहीं होता है तो साथियों एक बार क्लास को तो जरूर शेयर करें भाई ठीक है देखो तो भाई ऐसा कौन सा एब्रेसिव रहेगा डायमंड रहेगा बोरोन कार्बाइड रहेगा सिलिकन कार्बाइड रहेगा या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा जो भाई क्या रहेगा जो महंगा होने के साथ साथ क्या कर सकता है भाई महंगा होने के साथ साथ अच्छी कटाई भी प्रदान नहीं करता है परदुमन अहिर भी बता रहे हैं राजवीर सिंह भी मयंक ए बता रहे हैं देखिए जी एक बार क्वेश्चन का राइट आंसर तो भैया क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर रहेगा वह राइट आंसर क्या रहने वाला है तो भाई क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बोरोन कार्बाइड किसके कारण देखिए मयंक आपने यहां गौर किया ए डायमंड आपने सोचा कि भाई डायमंड है, हीरा है तो महंगा होगा लेकिन आपने आगे की बात नहीं पढ़ी कि भाई हीरा चलिए अपन ये तो मांग लेते हैं कि भाई महंगा होगा आप कर सकते ठीक है लेकिन हीरे के अंदर तो क्या होता है भाई उत्कृष्ट कटाई के गुण पाए जाते हैं जबकि एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि भाई भाई ऐसा आप जो क्या रहे महंगा भी होता है और साथ में उच्च कटाई के गुण भी नहीं रखता है तो उसके लिए जो अब आपका माना जाएगा वो कौन सा रहेगा भाई आपका बोरोन नाइट्रेड क्यूबिक या फिर बोरोन कार्बाइड नाम का अबर्षक ठीक है जी आगे बढ़ता हूं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाँ जी क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन पढ़िए व्हाट इज लेपिंग लेपिंग क्या है भाई लेपिंग एक फाइलिंग ऑपरेशन है लेपिंग एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन है लेपिंग एक चीजलिंग ऑपरेशन है या फिर लेपिंग एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है तो जरूर मेरे सभी भाई इस क्वेश्चन के संबंध में तो जरूर कमेंट करना चाहेंगे ठीक है ना तो देखिए कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है जब भी आप सभी साथी लेपिंग एंड होनिंग का क्या पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन में पहली बात यही लिखाई जाती है कि भाई लेपिंग एंड होनिंग जो प्रक्रिया है यह क्या मानी जाती है भाई एक सूक्ष्म फिनिशिंग ऑपरेशन यानी कि एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन माना जाता है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटी के लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा वह आपका रहने वाला है भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक है भाई हाँ जी तो बढ़ता हूं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर तो देखिए भाई 99 के बाद में क्वेश्चन नंबर 100 भाई ठीक है पढ़िए क्वेश्चन को दिया गया है इस लेप टूल का नाम क्या है तो भाई लेप टूल का नाम क्या रहेगा हाँ जी लेप टूल का नाम क्वेश्चन नंबर 100 भाई हम्म बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया <laughs> देखिए जी जिन्होंने भी कमेंट किया है अरे भाई एडजस्टेबल रिंग लेप आपने कमेंट किया है ज्यादातर नहीं यही कमेंट किया ना अरे एडजेस्टेबल रिंग लेप तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं जहां एडजेस्टेबल रिंग लेप होगा वहां आप उसके ऊपर आपको इस प्रकार से क्या कटे हुए मिलेंगे भाई कुछ ग्रुप्स भी कटे हुए मिलेंगे इस लेप के ऊपर आपको ग्रुप्स कटे हुए मिल रहे हैं क्या आप खुद देख सकते हैं भाई इस जो आपको ये लेप दिखाया गया है इस लेप के अंदरूनी कॉर्नर पर यहाँ आपको क्या लगा हुआ मिल रहा है देखिए एक वर्त और बन रहा है ना भाई ये यह आपका कौन सा भाग लगा हुआ है तो आप इसे बताएंगे इस रिंग लेप में आपने यहाँ क्या लगाया है भाई एक बुश लगाया है क्या लगाया है भाई एक बुश लगाया है और इसीलिए इस, रि इस रिंग लेप को आप किसके नाम से जानेंगे इस लेप टूल को आप जानेंगे स्प्लिट बुश लेप के नाम से ठीक है ना क्वेश्चन नंबर एक ऑप्शन नंबर एक के ऊपर गौर कर लेना हा जी सुग्रीव धाकड़ गुड इवनिंग भाई बहुत दिनों के बाद आए आप भी ठीक है ना थोड़ा सा गौर कर लेना क्वेश्चन के ऊपर और क्लास को भी जरूर एक बार शेयर कर देना तो बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 तो भाई 100 पूरे कर लिए अपन ने लिएमी असाइनमेंट के कुल टोटली ढाई के लगभग क्वेश्चन है इसके अंदर तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक भाई मल्टी स्टार थ्रेड की लीड क्या है कि भाई किसी मल्टी स्टार थ्रेड की लीड क्या कहलाएगी ऑप्शन नंबर ए है भाई पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट ऑप्शन नंबर बी है लीड इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट ऑप्शन नंबर सी है भाई पिच इनटू मेजर डायमीटर और ऑप्शन डी है भाई पिच इनटू माइनर डायमीटर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अच्छा डी एफ सी सी आई एल के लिए इलेक्ट्रिकल का बुक कौन सा लाएं। भाई आपकी जो इलेक्ट्रिकल की क्लास होती है आप उन सर से नहीं पूछते क्या देखिए ज्यादातर यदि थ्योरेटिकल पोर्शन के संबंध में बात करूं तो जो आपकी ओरिजिनल निम्मी की वेबसाइट है भाई उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिकल की चारों सेमेस्टर की बुक्स क्या है अवेलेबल है आप वहां से क्या कर सकते हैं उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं भाई ठीक है तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 101 देखिए साथियों पहले तो अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट की क्योंकि क्वेश्चन नया है भाई जब भी आप जब भी आप टाइप्स ऑफ थ्रेड पढ़ते हैं यानी कि चूड़ी के प्रकार तो एक जगह आपको चूड़ी के प्रकार ऐसे प्रकार भी बताए जाते हैं जिनको आप मानते हैं भाई अकॉर्डिंग टू स्टार्ट मानते हैं यानी कि शुरुआत के अनुसार चूड़ियों के प्रकार तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्टार्ट चूड़ियां मुख्यतः तीन प्रकार की आपको मिलेगी कौन कौन सी आपकी सिंगल स्टार्ट आपकी डबल स्टार्ट या फिर आपकी मल्टी स्टार्ट यही तीन चूड़ियां आप क्या लेते हैं भाई अकॉर्डिंग टू स्टार्ट आप क्या लेते हैं काम में लेते हैं प्यारे साथियों क्या अंतर रहता है इन सभी चूड़ियों के अंतर्गत तो देखना एक बार कि भाई जो आपकी सिंगल स्टार चूड़ी रहती है यह है चूड़ी एक स्थान से क्या होती है? शुरू होती है है शुरू और खत्म खत्म भी कहां पर पर होती है 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 भाई उसी स्थान स्थान जाकर क्या हो जाती है? हो जाती जाती यानी कि यह चूड़ी एक से शुरू होकर अंत तक क्या होती है चली जाती है दूसरा नाम क्या है तो भाई चूड़ी का दूसरा नाम है डबल डबल का मतलब दो तो डबल स्टार थ्रेड हमेशा दो स्थानों से क्या होती है स्टार्ट होती है और अंत तक क्या होती है चली जाती है आगे है भाई मल्टी स्टार तो मल्टी स्टार चूड़ी तीन जगह से चार जगह से या फिर आगे आप जितनी भी जगह से माने तो मल्टी स्टार चूड़ी तीन जगह से स्टार्ट होकर अंत तक चली जाती है या फिर चार जगह से स्टार्ट होकर अंत तक चली जाती है अब देखिए सिंगल स्टार थ्रेड के अंतर्गत जो आपकी लीड मानी जाती है जिसे आप एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं सिंगल स्टार थ्रेड में क्या माना जाता है एल बराबर पी यानी कि लीड किसके बराबर रहेगी आपके पिच के बराबर रहेगी ठीक है डबल स्टार थ्रेड आते ही आपकी लीड क्या हो जाती है भाई पिच के दो गुणे के बराबर हो जाती है यानी कि एल बराबर आप टू पी बता सकते हैं और मल्टी स्टार थ्रेड है तो आप एल बराबर क्या बता सकते हैं भाई एल बराबर थ्री पी फोर पी फाइव पी जैसी भी आपकी स्टार्ट रहेगी उसी प्रकार से आप बता सकते हैं तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है मल्टी स्टार्ट थ्रेड में थ्रेड की लीड क्या है तो भाई यहाँ से आपको ये नहीं पता थ्रेड मल्टी स्टार्ट है तीन स्थानों से स्टार्ट हो रही है चार स्थानों से तो आप क्या कर सकते हैं भाई जो भी उस चूड़ी का पिच रहेगा उस पिच को आपको किससे गुणा करना है भाई उस चूड़ी के स्टार्ट से गुणा करना है तो देखिए यहां भी तो मैंने यही लिखा है ये तो आगे आगे ये तो आपका पिच और जो नंबर मैंने लिखा है ये आगे, आगे आपकी स्टार्ट की संख्या भाई ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एक सौ एक के लिए आपका राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर एक भाई ठीक है आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर एक सौ दो के ऊपर देखिए जी क्वेश्चन नंबर एक सौ दो पूछा गया है इस स्क्रू का प्रकार क्या है भाई डायग्राम के अंतर्गत आपको एक स्क्रू दिखाया गया है हां हां तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्क्रू दिखाया गया है भाई स्क्रू की पहचान आपको करनी है भाई भाई स्क्रू कौन सा है हेड स्क्रू है ग्रब स्क्रू है राउंड हेड स्क्रू है या फिर स्क्वायर हेड स्क्रू है अच्छा जी देखिए लगभग सभी स्टूडेंट बी के ऊपर जा रहे हैं केवल टेक्निकल अड्डा इन्होंने आंसर दिया है भाई ए अच्छा जी चलिए देखते हैं भाई मनीष कुमार कुम इन्होंने भी बी बताया देखिए जी भाई जिन भी साथियों ने भी कमेंट किया है भाई उन सभी साथियों का आंसर क्या है भाई बिल्कुल सही है जो स्क्रू आपको यहाँ दिखाया गया है वो स्क्रू कौन सा है भाई आपका एक स्क्रू है अर्थात पूरा का पूरा का यह है। इस चूड़ीदार छिद्र में क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा और इस स्क्रू को ऑपरेट करने के लिए आप जिस युक्ति की सहारा लेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी भाई वह आपकी कहलाएगी क्या एलन की कहलाएगी ठीक है ना क्या कहलाएगी भाई एलन की कहलाएगी खासकर देखिए गर्भ स्क्रू जो ज्यादातर रहते हैं जैसे आप गर्भ स्क्रू के संबंध में एक बात और याद रख सकते हैं भाई आपने पढ़ा होगा आपकी लूज एंड फास्ट पुलिया तो देखिए इन लूज एंड फास्ट पुलियों की जो साफे रहती है ना इनके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं भाई अपने गर्भ स्क्रू के क्या कर सकते हैं भाई प्रयोग कर सकते हैं अच्छा नहीं जी सोकेट हेड स्क्रू नहीं है ठीक है भाई हाँ जी मयंक डी एफ सी सी आई एल फिटर के बारे में क्या बताऊं आपको एक तो अपनी पोस्टें बहुत कम है दूसरी बात ये कि भाई यदि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है तो मैं आपको कई बार राय दे चुका हूं कि भाई जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है थ्योरेटिकल पोर्शन के संबंध किसी भी टीचर के द्वारा अध्ययन नहीं कर रहा है तो भाई उस बच्चे को हमेशा क्या करनी चाहिए निमी की बुक फॉलो करनी चाहिए उसी को क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए ठीक है भाई तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103 सौ तीन वाट इज द नेम ऑफ नट इस नट का नाम क्या है भाई नट का नाम पूछा गया है बहुत ही साधारण क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा जो इस नट की पहचान नहीं कर पाएगा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बिना आपके कमेंट देखे बता देता हूं आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई को जन नट क्या विशेषता है साथियों इस नट की तो आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं देखिए आपके यूपीआर में भी आया था यही नट इसी नट का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीआर में ठीक है कैसे पहचान करेंगे आप कि भाई ऐसा नट है? भाई आप ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं स्लोटेड और कैसल के अंतर्गत तो ऐसा नट जिसकी बॉडी वाले भाग को छोड़कर अतिरिक्त जो भाग होता है उसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं भाई स्लोट बनाए जाते हैं उसी नट को आप किसके नाम से जानेंगे अपने कैसल नट के नाम से जानेंगे तो आप देख सकते हैं बॉडी वाला भाग तो यही समाप्त हो जाता है ठीक है इसके ऊपर आपको एक अतिरिक्त भाग मिल रहा है और उसी के ऊपर आपने क्या बनाया है भाई स्लोट बनाए हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर तो देखिए जी अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई देखते हैं कितने जने इस नट की पहचान कर पाते हैं वापस वही बात है भाई नट की ही पहचान आपको करा रहा है हाँ जी टेक्निकल अड्डा जी जरूर छह स्लोट होंगे क्योंकि छह पहलुओं वाला नेट है और स्प्लिट पिन का आप उपयोग कर सकते हैं

थोटिकल कॉन्सेप्ट बनता है उसको आप क्या कीजिए अच्छे से याद कीजिए तो देखिए जी क्वेश्चन के संबंध में नजीर हुसैन प्रद्युमन अहिर लगभग ने बी कमेंट किया है टेक्निकल अड्डा बता रहे हैं भाई इसी के संबंध में सी हाँ जी मोहन लाल जी गुड इवनिंग भाई देखिए जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 104 तो साथियों क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी साथियों ने अच्छे से सही पहचान की है भाई सर टेक्निकल अड्डा आपने सी बताया था हाँ देखिए आपने बताया है कोलर के साथ नट बताइए एक बार जरा इस नटे, इस नोला नट के आपको कॉलर कहा लगी हुई मिल रही है आप इस हिस्से को देख रहे होंगे तो ये कॉलर नहीं है भाई कॉलर का व्यास हमेशा नट के व्यास से क्या रहता है अधिक रहता है एक तो ये बात याद रख लेना ठीक है देखिए साथियों यह आपका रहता है भाई कौन सा इस नट को आप जानेंगे अपने वेल्ड नट के नाम से और ज्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है तो याद रखना जैसे आपको यदि कहीं पर वेल्डिंग करते समय क्या करना है भाई किसी चूड़ी की आपको आवश्यकता पड़ी या फिर आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आपकी एक वेल्डिंग चलती है कौन सी आपकी स... सपोर्ट वेल्डिंग ठीक है ना स्पोर्ट वेल्डिंग किस वेल्डिंग का उदाहरण है जहां तक मुझे याद है प्रतिरोध वेल्डिंग का उदाहरण यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उदाहरण आप इसे मानते हैं तो स्पोर्ट वेल्डिंग के अंतर्गत आप इस नट का क्या करते हैं अधिक प्रयोग करते हैं ठीक है जी तो क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेना ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट मिल सकते हैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर एक की ओर तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इस रिंच का नाम क्या है डायग्राम के अंतर्गत आपको एक रिंच दिखाया गया है भाई और इस रिंज का आपको क्या पूछा गया है नाम पूछा गया है केवल तो आराम से आप इस रिंज का नाम बता सकते हैं हाँ जी राजवीर सिंह बिल्कुल रेजिस्टेंस वेल्डिंग का हिस्सा होती है आपकी सपोर्ट वेल्डिंग ठीक है ना हाँ जी देखिए जरूर सभी ने सही आंसर दिया होगा देखिए जी क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही आंसर है भाई वो आपके सामने है क्या ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा गया है भाई हुक देखिए पर आपको सबसे पहले तो एक हुक की आकृति हुई है इसे आप जानना भाई किसके नाम से इसे आप जानेंगे लग्स के नाम से ठीक है ना किसके नाम से जानेंगे लग्स के नाम से तो देखिए हुक स्पेनर की जो भी लक्ष्य रहती है ये इस चकनट का जो स्लोट बना हुआ है भाई आयताकार इस स्लोट में क्या की जाती है इस लक्ष्य को क्या किया जाता है पुश करके एक सही ढंग से क्या किया जाता है भाई फिट किया जाता है और ये जो आपका हुक इस जो आपका हुक रिंच है भाई या फिर जो आपका हुक स्पेनर है इस स्पेनर्स का प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है भाई कुछ विशेष कार्यों के लिए क्या किया जाता है इन स्पेनर्स का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हर जगह आपके हेक्सागोलर नट को तो ये खोल बंद कर नहीं पाएगा आपके स्क्वायर नट को नहीं खोल बंद पाएगा तो किसी भी स्पेशल पर्पज के लिए क्या किया जाता है भाई इन हुक रिंचों का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है ठीक है भाई तो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर एक की ओर तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक बहुत ज्यादा स्क्रू आ गए आज की क्लास में अरे यार एक दिन की ईडी की क्लास दूंगा प्रोजेक्शन की तो क्या फायदा होगा एक दिन में तो मेरे हिसाब से तीनों प्रोजेक्शन की भाई खास कर जो आपकी आइसोमेट्रिक है ओब्लिक है या फिर ऑर्थोग्राफिक है तो भाई तीनों प्रोजेक्शन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक दिन में तो शायद क्लियर नहीं हो पाएगा हाँ पूरी विर्थ के बराबर लक्ष्य होती है भाई बिल्कुल हम्म तो देखिए शायद मैं ट्राई करूंगा मेरे पास मेरे टाइम के इडी के नोट्स पड़े हैं क्या यदि मैंने एक बार बनाए जरूर थे इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नोट्स यदि वो मेरे पास होंगे तो जरूर मैं आपको सभी को सेंड करने का जरूर प्रयास कर सकता हूँ भाई ठीक है हाँ जी तो देखिए अच्छा जी अरे यार क्या हो गया आप सभी के बहुत अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 106 के लिए राजू राजवीर सिंह रौनक सैनी नजीर हुसैन मयंक लगभग सभी ने सी आंसर दिया है अरे भाई क्या दिक्कत हुई आपके ऐसी <laughs> देखो एक बार हाँ नोट्स होंगे तो जरूर भेज दूंगा ठीक है पहले घर जाकर मुझे खुद को ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि कम से कम सात आठ साल के करीब हो गए मैंने उन नोट्सों को संभाल कर भी नहीं देखा देखिए जी क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा भाई आपके रहेगा ऑप्शन नंबर ए भाई राजवीर और सभी जिन्होंने भी बी कमेंट किया है ना एक बार पढ़ कर देख लेना ठीक है हाँ बी और सी जिन्होंने भी कमेंट किया है ज्यादातर ने बी और सी कमेंट किया है ठीक है अरे काउंटर सिंक हेड स्क्रू कहाँ से मिल गया काउंटर सिंक आकृति किस प्रकार की होती है इस प्रकार से सीरा आपको क्या मिलना चाहिए बेवेल मिलना चाहिए इसका सिरा आपको बिल्कुल प्लेन मिल रहा है इस प्रकार से तो भाई काउंटर काउंटरसिंग कहाँ से हो गया इस स्क्रू को आप जानेंगे हेक्सागोनल सोकेट हेड केप स्क्रू ठीक है साथियों स्क्रू आपका जो रहेगा यह स्क्रू आपके एक स्क्रू का ही क्या माना जाता है प्रकार माना जाता है और इस स्क्रू को भी हमेशा एलन की से क्या किया जाता है भाई इस स्क्रू को भी हमेशा एलन की से ऑपरेट किया जाता है खास बात एक और है इन स्क्रू के लिए कभी भी आपको नट की आवश्यकता नहीं पड़ती है अरे भाई राजवीर वगैरह इतने आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई ठीक है हाँ बिल्कुल भाई काउंटर होता तो आपको मिलता हमेशा ठीक है ना हाँ तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया है वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होती है तो भाई ऐसी ही स्पेशल फाइल का आपको उपयोग बताना है जो चौड़ाई में आपको आयताकार मिले और चौड़ाई में हमेशा रहे भी क्या भाई समांतर रहे यानी कि उसके ऊपर टेपर नहीं कटा हुआ चाहिए तो बताइए भाई कौन सी फाइल होगी स्पेशल फाइल तो आप सभी ने ताजा ही पढ़ी है अच्छा प्रद्युमन अहिर बता रहे हैं डेड नोट मयंक बता रहे हैं बी राजू ए बता रहे हैं दीपक कुमार आप भी बता रहे हैं देखिए जी हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 107 भाई क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी भाई कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर बी कौन सी फाइल आपकी पिलर फाइल भाई प्रद्युमन अहिर आपने कमेंट किया है ड्रेड नोट फाइल ड्रेड नोट फाइल भी इस प्रकार से क्या मानी जाती है समांतर रहती है लेकिन उसकी एक एज आपको क्या नहीं मिलेगी सेफ एज यानी कि सेप एज का मतलब केवल एक ही और आपको दांते कटे हुए नहीं मिलेंगे ठीक है ना दोनों तरफ क्या मिल सकते हैं दांते कटे हुए मिल सकते हैं जबकि आपकी जो पिलर फाइल रहती है इस प्रकार की इस प्रकार की एक फाइल रहती है ना जिसका आप संकीर्ण कार्यों के लिए विशेषता उपयोग कर सकते हैं देखिए ऐसी फाइल जिसके ऊपर आपको यहाँ भी क्या मिलते हैं क्लोजअप दाते कटे हुए मिलते हैं और यहाँ भी क्या रहेंगे आपके क्लोजअप दाते कटे हुए रहेंगे ठीक है ना इस प्रकार से ये फाइल आपकी कौन सी कहलाएगी आपकी पिलर फाइल कहलाएगी जो चौड़ाई में भी क्या रहेगी समांतर और अनुप्रस्थ काट कैसा रहेगा आयताकार तो याद रख लेना थोड़ा सा इस क्वेश्चन के संबंध में भी ठीक है भाई तो आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर पर हाँ जी 108 नंबर क्वेश्चन पढ़िए इतनी देर में आपके कमेंट का थोड़ा सा जवाब दे देता हूं अच्छा टेक्निकल अड्डा आपको कमेंट शो नहीं हो रही आप लाइव चैट में जाइए भाई आप कमेंट बॉक्स में होंगे शायद आप लाइव चैट के अंदर जाके देखिए शायद आपको कमेंट शो जरूर करेंगे हाँ <laughs> जी सोनलाल यादव जो आपका पी डिपार्टमेंट है भाई जलदाय विभाग जो आपका है इसकी वैकेंसी आने की संभावना तो बता रहे हैं और शायद जहां तक इसकी चर्चाएं हो रही है भाई जहां तक मुझे अनुमान है जहां तक मुझे अनुमान है भाई इसकी वैकेंसी जल्द ही आने की संभावना है भाई क्योंकि जहां तक चर्चा में आई थी बात की भाई जैसे आपके टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के बारे में अभी बहुत ज्यादा मुद्दा उठाता ठीक है तो कई जगह ऐसी बात बताई जा रही है कि भाई राजस्थान सरकार एक तो आपकी जो फायर सेफ्टी वाले हैं भाई उनके लिए एक तो विज्ञप्ति जारी करने वाली है और जलदाय विभाग की जो विज्ञप्ति है इसे भी जल्दी ही जारी करने की बात की जा रही है भाई यहाँ राजस्थान के अंतर्गत हाँ डीएमआरसी की भी बता दू यूपीआरब्यूनल की भी बता दूं आगे अपने सेल भेल इनकी भी बता देते हैं ठीक है क्योंकि मैं ही हूँ एचआर डिपार्टमेंट मुझे ही पता है सबका अरे डीएमआरसी की वैकेंसी हमेशा तभी आती है जब उनके पास क्या होता है नया फेज स्टार्ट होता है डीएमआरसी के पास ऑलरेडी क्या है भाई पूर्णतया मेंटेनर है तो आप चिंता मत कीजिए जैसे ही कोई छोटा या बड़ा नया फेज स्टार्ट करेंगे वो तब जाकर वो क्या निकालेंगे कोई नई वैकेंसी निकालेंगे ठीक है और जहां तक संभावना है भाई तो वहां तक क्या रहेगी वहां तक आपकी रहने वाली है भाई क्या कि शायद आपकी नई साल के अंतर्गत आपको डीएमआरसी का सौगात मिल जाए ठीक है भाई हाँ तो देखिए क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जब भी आएगी वेकेंसी तो पीछे भी आकर गई है भाई क्या हुआ अपना अरे भाई वैकेंसी तो पहले भी आकर गई थी आप केवल वैकन्सियों के ऊपर ही चर्चा करते हैं कभी ऐसे भी चर्चा कीजिए कि भाई सर हम पढ़े कब आज से पढ़े कल से पढ़े या फिर पिछले दिनों से पढ़े ठीक है ना देखिए क्वेश्चन नंबर 108 पूछा गया था किस फाइल के फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट जाते होते हैं तो साथियों ये आपकी कौन सी फाइल रहेगी आपके वर्डिंग फाइल कल यहाँ परसों ही मैंने आपको बताया था वर्डिंग फाइल के डायग्राम के संबंध में इस प्रकार से टेपर बनी हुई रहती है उपयोग कहाँ करेंगे तो भाई आप उपयोग करेंगे एक वर्डिंग फाइल का कि भाई जो आपका ताला रहता है जो आपका लोक रहता है तो ताले की मरम्मत व आपकी जो कुंजी या फिर चाबी रहती है इन कुंजियों या फिर चाबी के वार्ड नोट की मरम्मत के लिए आप क्या कर सकते हैं अपनी वर्डिंग फाइल का उपयोग कर सकते हैं तो देखिए आगे चलता हूं अब अपने क्वेश्चन नंबर एक के ऊपर तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया है इस फाइल का नाम क्या है देखिए जी हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया है फाइल का नाम तो पहचान कीजिए हाँ एक तो प्रद्युमन अभी आपने बताई थी शायद फाइल मुझे बताई थी ना देख लेना आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन नंबर एक सौ हाँ जी बिल्कुल भाई हाँ जी चलिए क्योंकि स्पेशल फाइल्स आपके थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत ही आती है भाई और बहुत बार रिपीट भी हो चुकी है तो देखिए बता देता हूं डायग्राम के अंतर्गत जो रेती आपको दिखाई गई है भाई यह है एक प्रकार की विशेष रेती है और विशेष रेतियों में से भी किसका प्रकार है भाई कौन सा प्रकार है तो आप सभी याद रखना यह फाइल आपके कहलाएगी कौन सी आपकी स्विस पैटर्न रेती ठीक है भाई तो बढ़ू आपने नेक्स्ट 110 नंबर के क्वेश्चन की ओर तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 110 सौ दस हाँ जी इस गेज का नाम क्या है तो मेरे हिसाब से तो शायद 110 नंबर के गेज का नाम मैं ही आपको बता देता हूं क्योंकि कोई ऐसा बालक नहीं होगा जो इसकी भी पहचान नहीं कर पाएगा देखिए जी पहली बात तो एक वर्ताकार छल्ले के रूप में बन रहा है तो इस गेज को आप कौन सा गेज बता सकते हैं इस गेज को आप रिंग गेज बता सकते हैं आप रिंग गेज गेज में भी यह गेज कौन सा होगा तो आप देख सकते हैं इस रिंग गेज में कटे हुए छिद्र के अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रही है भाई यहाँ पर कुछ लाइनिंग दिखाई दे रही है इन लाइनों का अर्थ किससे रहेगा भाई इन लाइनों का अर्थ रहेगा चूड़ियों से तो आप इस रिंग गेज को किसके नाम से जान सकते हैं भाई चूड़ी रिंगेज यानी कि थ्रेड रिंगेज के नाम से जान सकते हैं जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ठीक है जी कर सकेंगे ना आराम से पहचान हाँ एक बात और यहां से याद रखना थोड़ी सी जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि भाई आपका जो रिंगेज रहेगा ना रिंगेज में आपको दो सिरे मिलेंगे कौन कौन से एक तो गो सिरा और दूसरा नोट गो सिरा तो भाई रिंगेज के अंतर्गत जो आपका नोगो सिरा रहेगा ना इस नोगो सिरे की लेंथ हमेशा क्या मानी जाती है आपके गो सिरे की अपेक्षा अधिक मानी जाती है एक तो ये बात ध्यान में रखना दूसरी बात कि भाई रिंग गेज का जो नोगो सीरे रहता है इस नोगो सिरे पर कटी हुई जो चूड़ियां रहती है इन चूड़ियों का क्रेष्ट क्या मिलेगा आपको इन चूड़ियों का क्रेष्ट आपको हटा हुआ मिलेगा हटे हुए का मतलब जैसे ये आपका पूर्णतया पूर्णत्याक्रेष्ट बना अब इन चूड़ियों में पूर्णतया क्रेष्ट न बनाकर कहां तक यहां तक ही क्रेस्ट बना दिया जाएगा तो दो तीन बात आपको बताई है भाई इस चूड़ीदार इंगेज के संबंध में जो जरूर याद रख लेना आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो देखिए भाई 110 के बाद क्वेश्चन नंबर 111 सौ ग्यारह हाँ जी वापस गेज का नाम पूछा है लेकिन गेज का डायग्राम परिवर्तन है भाई देखिए डायग्राम को हाँ देखिए डायग्राम को <laughs> देखिए डायग्राम को अच्छे से और क्या कीजिए भाई डायग्राम को देखकर गेज की पहचान कीजिए भाई जो गेज आपको यहाँ दिखाया गया है किसके नाम से जानेंगे शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस गेज की पहचान नहीं कर पाएगा ठीक है तो शायद आपने कर ली होगी भाई पहचान तो हाँ जी हाँ नजीर हुसैन आपको बताना पड़ेगा रौनक सैनी आपको भी बताना पड़ेगा और बताए हाँ चलिए देखिए कुछ स्टूडेंट है उन्हें समझाना पड़ेगा भाई अरे कुछ स्टूडेंट्स ने प्लग गेज के ऊपर कमेंट किया है डबल एंडेड अच्छा दोनों तरफ सिरे दिख गए आपको इसका मतलब आप डबल एंडेड बता देंगे ठीक है भाई डबल एंडेड तो आप बता देंगे चलिए कोई बात नहीं लेकिन प्लग गेज और जोड़ देंगे उसके साथ है अरे भाई प्लग गेज हमेशा इंटरनल सरफेसों के लिए काम में लिया जाता है तो इसके द्वारा आप इंटरनल सरफेस किस प्रकार से जांच करेंगे इसके द्वारा आप अपनी इसके द्वारा आप अपने कार्यखंड को क्या कर सकते हैं जैसे ये कोई आपका कार्यखंड है तो इसके द्वारा आप बाहरी चौड़ाई मोटाई क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं या फिर आपका ये जैसे कोई गोल रोड है तो इसके संबंध में भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तो हमेशा चेक क्या करेगा एक्सटर्नल करेगा ठीक है ना बाहरी बारी करेगा तो भाई ये जो गेज आपको यहाँ दिखाया गया है इस गेज को आप बताएंगे स्नेप गेज अब यदि ऑप्शन में यहाँ इस प्रकार से लिखा होता ना डबल एंडेड स्नेप गेज तब जाकर आप सभी साथी उसके ऊपर क्या कर सकते थे चयन कर सकते थे ठीक है आप देखिए यहीं से थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि भाई जो आपका स्नेप गेज आपको यहाँ दिखाया गया है भाई दो एंड बने किस लिमिट से फिनिश किया जाता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई गो एंड को तो किस लिमिट से करेंगे और नो गो एंड को किस लिमिट से फिनिश करेंगे आप जल्दी से कमेंट कीजिए मैं आप सभी के कमेंट देखने के लिए तत्पर हूं भाई कि भाई जो स्नेप गेज आपको यहां डायग्राम में दिखाया गया ना इसकी आपको क्या करनी है इसकी गो एंड की तो बतानी है कि भाई गो एंड को किस लिमिट से फिनिश किया जाता है और नो गो एंड को किस लिमिट से फिनिश किया जाएगा हाँ जी अरे स्नेप हमेशा दो साइड बनी स्नेप एक साइड वाला भी मिल सकता है ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये तो देखिए इंटरनल चेक कर रहा है आउटर चेक कर रहा है नोगो एंड को आप बता रहे हैं अपर लिमिट ठीक है और गो एंड को अच्छा प्रद्युमन अहिर बता रहे हैं नोगो को लोअर लिमिट से अच्छा जी दीपक कुमार बता रहे हैं गो को हाई नोगो को लो सुनील भामू गो को हाई और नोगो को लो हाँ जी हाँ, तो भाई देख लीजिए एक बार हाँ जी देखिए जो आपका स्नेप गेज रहेगा इस स्नेप गेज का जो गो एंड रहेगा ना इसको तो हमेशा किससे करेंगे हायर लिमिट से क्या किया जाएगा फिनिश किया जाएगा और नोगो जो आपका रहेगा इसे आप किस लिमिट से फिनिश करेंगे भाई इसे आप करेंगे अपनी लोअर लिमिट से फिनिश ठीक है ना याद रख लेना दोनों बातें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है तो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112 भाई पूछा गया है ड्रिल गेज का उपयोग क्या है भाई नया क्वेश्चन है अभी तक इस असाइनमेंट में रिपीट नहीं हुआ है ठीक है तो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए मैं पानी वगैरह पी लेता हूं भाई हाँ जी सोचा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा फर्दुमन अहिर ये बता रहे हैं सुग्रीव धाकड़ भी ये बता रहे हैं 112 के संबंध में राजवीर सिंह ये टेक्निकल अड्डा सी बता रहे हैं और बताइए जरा गणेश राम लोडा भी ये बता रहे हैं हरिओम शर्मा अरे भाई हरिओम आपने पूछा था ना आरसीडीएफ के संबंध में तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है आरसीडीएफ के संबंध में हाँ जी चलिए चलिए केवल एक ही है भाई टेक्निकल अड्डा ये थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं भाई इस गेज के संबंध में देख लेते हैं एक बार क्या चर्चा कर रहे हैं देखिए जी पूछा गया है व्हाट इज द ड्रिल गेज कि भाई जो आपका ड्रिल गेज रहेगा वह ड्रिल गेज का उपयोग क्या होगा तो सुनिए एक बार सभी साथ भाई ड्रिल गेज आपके ड्रिल के व्यास की जांच करेगा ड्रिल गेज ड्रिल की लंबाई की जांच करेगा या फिर ड्रिल गेज आपके ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करेगा या फिर लिप्स की लंबाई की जांच करेगा तो भाई सबसे पहले तो एक बात सुनना ठीक है ना हम्म अब सुनिए भाई टेक्निकल अड्डा जी आप सुनिए भाई आप जिस गेज की बात कर रहे हैं ना वो गेज कौन सा होता है थोड़ा सा नाम याद रखा कीजिए वो गेज कौन सा होता है ड्रिल ग्राइंड गेज ठीक है ना कौन सा रहेगा ड्रिल ग्राइंड गेज जो क्या करेगा भाई आपके लिप्स की कटिंग एंगल जो आपका रहेगा करतन कौन रहेगा ड्रिल का उसे क्या करेगा जांच करने का प्रयास करेगा ठीक है तो ये जरूर याद रखना जो आपका ड्रिल गेज रहेगा यह एक आयताकार प्लेट का बना हुआ गेज रहेगा जिसके ऊपर आपको ट्विस्ट ड्रिल के अनुसार अलग अलग व्यास के क्या बने हुए मिलेंगे सुराग बने हुए मिलेंगे और आप अपने पिस्ट ग्लूटेड या फिर आप अपने टेपर शेंग ड्रिल को इन सुराखों के अंदर डाल डाल क्या कर सकते हैं भाई आसानी से आप उसकी साइज चेक कर सकते हैं और यही इसका मुख्य उपयोग होता है भाई ठीक है तो जरूर एक बार कंफर्म कर लेना तो आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 113 सौ हाँ जी क्वेश्चन नंबर 113 व्हाट इज मार्क्ड एक्स एक चिन्हित किए गए अक्ष भाग का नाम क्या है तो देखिए एक्स आपको कहा दर्शाया गया है जरूर आप सभी साथी इसके संबंध में राइट आंसर देंगे ठीक है तो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है आप सभी को इसका आंसर बताना चाहूंगा देखिए जी क्वेश्चन नंबर 113 भाई तो 113 में एक्स कहा मार्क किया गया है भाई एक्स ये रहा आपका ठीक है और एक्स किसके संबंध में है भाई तो एक्स को दर्शा रही है ये डायमेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन कहा से स्टार्ट है तो भाई डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर जो एक्सटेंशन लाइन टच हो रही है वो कहा जा, जा रही है आपके रोलर के के और जो आपको यहां लगी दूसरे रोलर के केंद्र के मध्य की दूरी ही साइन बार की साइज कहलाती है क्या कहलाएगी साइन बार की साइज कहलाएगी तो यहां से आप देखिए चौड़ाई नहीं कहलाएगी कॉन्टेक्ट रोलर नहीं कहलाएगा डेप सरफेस नहीं कहलाएगा साइज का मतलब ही क्या कहलाएगी उस साइन बार की लंबाई कहलाएगी समझ में आई बात सभी के तो देखिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 114। थोड़ा सा डायग्राम के अंदर परिवर्तन है बाकी उपयोग साइन बार के संबंध में ही है जरूर आप सभी साथी आसानी से पहचान कर पाएंगे देखिए एक उपयोग के संबंध में पूरी बातें ही आपको बता देता हूं भाई एक साइन बार की यंत्रावली हूँ आपको दर्शाई गई है इस डायग्राम में अब साइन बार के साथ आप कौन कौन सी यंत्रावली यहाँ काम में ले रहे हैं तो ये वाली युक्ति तो आपकी क्या कहलाएगी जैसा कि अभी आपने देखा था आपकी साइन बार और किसी त्रिभुज के लिए साइन बार किसके रूप में काम करती है भाई उस त्रिभुज के कर्ण के रूप में काम करेगी नंबर दो यहाँ पर आ गया भाई आपका कार्यखंड जो एक आधार के रूप में काम करेगा ठीक है एक बेस के रूप में काम करेगा और यहाँ पर जो आपको टुकड़े लगे हुए मिल रहे हैं इस प्रकार से ठीक है ये जो टुकड़े लगे हुए हैं ये टुकड़े आपके लगे हुए हैं कौन सी युक्ति के तो आप बता देंगे अपने स्लिप गेज के तो देखिए अब अक्स कहा मार्क है भाई यहाँ मार्क है तो इस ऊपर वाले स्लिप गेज से नीचे वाले स्लिप गेज के मध्य की दूरी पूछी है तो ये मध्य की दूरी किसके द्वारा बनी भाई यह मध्य की दूरी आपके स्लिप गेज को बिल्डअप करने के कारण बनी तो यहां से आप राइट आंसर क्या दे सकते हैं भाई हाइट ऑफ स्लिप गेज यानी कि स्लिप गेज की ऊंचाई तो है भाई के द्वारा जो मार्क की है और इन स्लिप गेज की ऊंचाई को आप एक त्रिभुज में किन के रूप में काम करवाते हैं भाई लंब के रूप में काम करवाते हैं तो जरूर नोट कर लेना यह वाली बात भी बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर एक सौ जी क्वेश्चन नंबर 115 अच्छा क्वेश्चन है रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन है पूछा गया है इस गेज का नाम क्या है तो बताइए जरा गेज का नाम क्या होगा हाँ जी तो भाई गेज का नाम गेज का नाम आप भी बता रहे हैं अच्छा जी कोई बात नहीं ठीक है देखिए देखिए जी डायग्राम के अंतर्गत जो गेज आपको दिखाया गया है स्क्रू पिच गेज में आप क्या मानते हैं स्क्रू पिच गेज एक पत्तियों का समूह होता है तो पत्तियां तो आपको नजर नहीं आ रही स्लिप गेज दात्विक टुकड़े रहते हैं भाई आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन के नंबर दो बच रहे हैं भाई एंगल गेज या फिर सेंटर गेज तो एंगल गेज या फिर सेंटर गेज भाई एंगल गेज के भी क्या मिलेंगे आपको इस प्रकार से कुछ एंगल में बने हुए क्या मिलते हैं भाई टुकड़े बने हुए आपको मिलते हैं तो जो गेज आपके यहाँ बचा है वो कौन सा है सेंटर गेज अब चर्चा करते हैं इस गेज के संबंध में देखिए जी सेंटर गेज जो आपका रहता है यह है एक, एक पत्ती से क्या होता है निर्मित होता है ठीक है यानी कि पतली जो आपकी एम एस प्लेट आप बोलते हैं उससे क्या मिलेगा आपको निर्मित मिलेगा अब देखिए जो आपका सेंटर गेज होता है इसके ऊपर आपको साठ डिग्री साढ़े सैतालीस डिग्री 55 डिग्री इन कोणों के ऊपर आपको क्या कटे हुए मिलते हैं ग्रूव कटे हुए मिलते हैं भाई क्यों तो देखिए जो आपका सेंटर गेज होता है तो भाई जो आपके लेथ के थ्रेड थ्रेडिंग जो आपका टूल रहता है ना सिंगल पॉइंट थ्रेडिंग टूल इस थ्रेडिंग टूल का कोण चेक करने के लिए आप सेंटर गेज की सहायता ले सकते हैं या फिर जब आप अपनी खराद मशीन के ऊपर कार्य और थ्रेडिंग टूल को क्या करना चाहेंगे समकोणता के ऊपर सेट करना चाहेंगे तो वहां पर भी आप अपने सेंटर गेज का क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं तो ये छोटी सी जानकारी थी एक सेंटर गेज के संबंध में आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 116 लीजिए जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वही सबसे पहले आया है हाँ जी जो भी आपके चूड़ी के कोण रहते हैं ना वही कोण आपको बने हुए मिलेंगे ठीक है और जो आपका थ्रेडिंग टूल्स रहता है उसकी लिप्स को क्या कर सकता है भाई सेंटर गेज जांच कर, कर दे सकता है ठीक है और देखिए भाई आप सभी साथियों को एक सूचना और देने वाली थी जो एप्लीकेशन पर अध्ययन कर रहे हैं भाई हाँ शायद एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट सभी ने आज लाइव क्लास अटेम्प्ट की थी या नहीं की थी मुझे पता नहीं है क्योंकि आपके कमेंट आज मैं नहीं देख पाया था ठीक है हाँ तो कल से आपकी जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी आपके ऑल ओवर पूरी इंडिया के अंदर जितने भी आपके फिटर के कंपटीशन एग्जाम हुए हैं पहले ठीक है उन सभी के क्वेश्चन पेपर में आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर हल कराने वाला हूँ तो जो भी टाइमिंग शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा लेकिन अधिक से अधिक आप लाइव आने का प्रयास करना क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा ताकि मैं आपको पूर्णतया वो मैटर पूरा तरीके से आप सभी को समझा सकूं ठीक है टाइम में आपके पास मैसेज कर दूंगा आप सभी केवल लाइव आने का प्रयास जरूर करना ठीक है भाई तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक भाई कोई विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है आप देख सकते हैं सभी कि भाई क्वेश्चन नंबर 116 में जिस गेज का डायग्राम आपको दिखाया गया है यह आप जानेंगे भाई स्क्रू पिच गेज के नाम से कौन से गेज के नाम से भाई स्क्रू पिच गेज के नाम से भाई जिन भी अभ्यार्थियों ने विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर की पेपर दिया था उनको याद होगा गेज की एक रेंज पूछी थी। देखो डायग्राम है यहाँ पर, पांच मिलीमीटर इस इस mm तक और यही रेंज वहां ऑप्शन के अंदर सही मानी थी स्क्रू पिच गेज का प्रयोग आपकी जो चूड़ी की रूपरेखा या फिर जो चूड़ी की पिच रहती है भाई, उसे चेक करने के लिए किया जाता है और देखिए स्क्रू पिच गेज की जो भी हैं इनके ऊपर आपको अलग अलग चूड़ियों के स्टैंडर्ड के अनुसार क्या बने हुए मिलते हैं भाई दाते बने हुए मिलते हैं कई जगह एग्जामिनर ये बात भी पूछता है कि भाई स्क्रू पिच गेज की जो ब्लेड है ना तो उसकी ब्लेड के ऊपर कितनी लंबाई में दाते बनाए जाते हैं तो भाई कितनी लंबाई में बनाए जाते हैं ये दाते कमेंट्स का आज जा ही नहीं रहे जी जो क्वेश्चन मैंने किया है उसका जवाब दे सकता है क्या कोई भी स्टूडेंट कि भाई किसी स्क्रू पिच गेज की ब्लेड की वह लंबाई बताइए जिसके ऊपर केवल दांते कटे हुए रहते हैं अच्छा जी देखिए केवल दो ही बच्चों ने आंसर दिया है अरे भाई सुग्रीव धाकड़ गेज का टॉपिक नहीं पढ़ा क्या अभी तक है। क्या याद रखना है 25 से 30 एम mm, एम ठीक है ना जो ये लंबाई जिसके ऊपर दांते कटे हुए हैं ये लंबाई हमेशा रहती है 25 से 30 एम mm, एम ठीक है भाई हाँ जी जो भी साथीगण नए आ रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारी एप्लीकेशन का नाम है भाई सक्सेस सेंटर सीकर जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं भाई ठीक है और बाकी कोई भी स्टूडेंट यदि आपके किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो आप सभी साथी मेरे नंबर नोट कर सकते हैं भाई ठीक है ये मेरे पर्सनल नंबर है भाई आप सभी साथीगण यदि आपको फिटर से संबंधित या फिर फिटर की कोई भी टेक्निकल एग्जाम से संबंधित या फिर थियोटिकल पोर्सन या फिर किसी क्वेश्चन के संबंध में कोई भी क्वेरी रहे या फिर हमारी एंड्रॉइड अप्लीकेशन या फिर कोर्स के संबंध में कोई भी क्वारी रहे तो आप इन नंबर से क्या कर सकते हैं भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप सभी एक बार नंबर नोट कर लेना ठीक है भाई जिनके भी पास नहीं है ठीक है तो आगे बढ़ता हूं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो भाई क्वेश्चन नंबर 117 देखिए जी क्वेश्चन नंबर 117 इस गेज का प्रकार क्या है अच्छा टाइप्स ऑफ गेज कौन सा गेज है भाई ये तो थ्रेड रिंग गेज है रोलर टाइप थ्रेड केलीपर गेज है या फिर आपका थ्रेड प्लग गेज है या फिर एनविल टाइप थ्रेड स्नेप गेज है तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि क्लास के अंतर्गत दस मिनट ही बची है क्वेश्चन अपन को तीन और हल करने हैं अभी इसके बाद हाँ जी जो सेल के एडमिट कार्ड है वो शायद दुर्गापुर स्टील प्लांट के आई है अभी तक बोकारो वाले नहीं आए हैं भाई ठीक है ना हाँ जी अच्छा अरे राजवीर क्या हो रहा है तेरे अरे थ्रेड रिंग गेज बता रहे है बता इस गेज को भी रिंग गेज वर्ताकार छल्ला बन रहा है यहाँ पर अरे सी आकार बन रहा है ये सबसे बड़ी बात है सी आकार किस गेज के अंतर्गत होता है ये आकार ये आकार हमेशा बनता है स्नेप गेज के अंतर्गत अभी आपने एक स्नेप गेज और देखा था जिसके दोनों सिरों पर आपने गो एंड नो गो एंड देखा था तो वहां भी गेज का आकार तो किस टाइप का था सी आकार का था हमेशा याद रखना यह वाली बात कि भाई स्नेप गेज का जो आकार रहेगा वो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर सी के समान रहेगा और देखिए स्नेप गेज का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है भाई स्नेप गेज का यहाँ उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी इसे आप बताएंगे भाई एक एनविल टाइप थ्रेड स्नेप गेज देखिए यहाँ पर आपको चूड़ियों की प्रोफाइल के अनुसार क्या मिल रहे हैं भाई दाते भी कटे हुए मिल रहे हैं तो आसानी से यार ऐसे क्वेश्चन गलत मत किया करो भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नंबर एक नंबर अट्ठारह हाँ जी इस गेज का प्रकार क्या है यहां भी गेज का प्रकार पूछा है देखिए थोड़ा सा सिस्टम यहाँ उल्टा चलेगा बताऊंगा अभी गेज का प्रकार आप मेरे हिसाब से आसानी से कमेंट कर पाएंगे केवल राजवीर सिंह जैसा स्टूडेंट होगा वो ही कमेंट नहीं करेगा अच्छा गलती से हो गया था कोई बात नहीं ठीक है देखिए भाई क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम आपको दिखाया गया है तो भाई डायग्राम है एक प्लग गेज का तो कौन से प्लग गेज का तो आप यहाँ देख सकते हैं रिंग गेज तो हो नहीं सकता टेपर प्लग गेज तो भाई टेपर जो आपके रोलर है यदि आकृति में बने हुए रहते तो आप टेपर प्लग गेज बताते प्रोग्रेसिव प्लगेज का बताते जब गो और नो गो एंड दोनों एक ही सिरे पर रहते तब आप प्रोग्रेसिव प्लगेज बताते तो भाई तीनों नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डबल डबल एंडेड एंडेड प्लग गेज देखिए का मतलब दोनों सिरों के ऊपर आपको एंड बने हुए मिल रहे हैं यानी कि दोनों सिरों के ऊपर आपको गो एंड नोट गो एंड बने हुए मिल रहे हैं अब देखिए साथियों ये तो इस प्लग गेज का कौन सा एंड है भाई गो एंड और ये इसका कौन सा है भाई नोट गो या फिर नो गो एंड जैसा कि आप सभी ने थ्रेड रिंग गेज के अंतर्गत मैंने आपको बताया था थ्रेड रिंग गेज के अंतर्गत नोगो सिरे की लंबाई हमेशा गो की अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है लेकिन प्लग गेज में इसका जस्ट उल्टा मिलेगा क्या भाई यहाँ पर गो सिरे की लंबाई क्या रहेगी इस नोगो सिरे की अपेक्षा इसकी गो वाले की लंबाई क्या होगी हमेशा अधिक होगी अब दूसरा क्वेश्चन आप सभी साथियों से है कि भाई किसी गेज के गो सिरे को किस लिमिट से फिनिश किया जाता है और नोट गो को किस लिमिट से फिनिश करेंगे जल्दी से कमेंट कीजिए देखे गो सी देखो तो किस लिमिट से फिनिश करेंगे और नोगो को किस लिमिट से फिनिश करेंगे अच्छा परद ने तो कमेंट कर भी दिया पहले ही कोई बात नहीं हाँ जस्ट थोड़ा सा उल्टा है अभी जो बताया था उसी का ठीक है ना कोई विशेष बात नहीं है हा जी हाँ जी देखिए जी बिल्कुल सही भाई जो भी साथीगण गो को क्या बता रहे हैं जिन्होंने भी गो को लोअर लिमिट बताया है बिल्कुल सही है भाई उनका आंसर और यदि गो लोअर लिमिट से है तो जो आपका नोट गो रहेगा वह आप किस लिमिट से फिनिश करेंगे वह आप हाई लिमिट से क्या करेंगे फिनिश करेंगे यानी कि ऊपरी सीमा से आप क्या करेंगे फिनिश करेंगे ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक और जो भी भाई नए आए हैं चैनल के ऊपर यदि फिटर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ठीक है ऐसा नहीं देख कर चले गए यदि पसंद आए तो लाइक कर देना वरना सब्सक्राइब तो जरूर करना भाई क्वेश्चन नंबर 118 चल रहा था सॉरी भाई 119 चल रहा था शायद है ना हाँ एक नंबर की बात थी देखिए क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है अभी मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोग्रेसिव प्लगेज कब बताएंगे प्रोग्रेसिव प्लगेज आप बताएंगे जब हाँ प्रोग्रेसिव प्लगेज आप जब बताएंगे जब दोनों सिरे आपको एक ही एंड पर बने हुए आप देखिए इधर कुछ भी बना हुआ है क्या आप आराम से देखेंगे गोर कर कर तो भाई आपको यहाँ पर इस एंड के ऊपर कुछ भी बना हुआ नहीं मिल रहा तो इस गेज को आप बोलेंगे प्रोग्रेसिव प्लगेज अब इसमें एक्स भाग का नाम पूछा है एक्स भाग का नाम ही तो पूछा है तो देखिए क्या होगा भाई डबल एंडेड प्लग गेज नो गो सिरा ठीक है जी प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो टेपर प्लग गेज गो प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो तो आप सभी को मैंने अभी एक हिंट बताई थी कि भाई प्लग गेज जो आपका रहेगा इस प्लग गेज के गो सिरे की लंबाई हमेशा क्या रहती है नोट गो की अपेक्षा अधिक हाँ नोट गो की अपेक्षा अधिक रहेगी तो भाई इस सिरे की तो लंबाई अधिक मिल रही है तो आप क्या बता देंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 119 के लिए जो राइट आंसर निकलेगा वो रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी देख लेना एक बार थोड़े से गौर करके ये आ गया नोगो इसकी लंबाई क्या मिल रही है कम मिल रही है किसकी अपेक्षा इस गो सिरे की अपेक्षा ठीक है और एक बात और है यदि आपने पहले ही नोगो सिरा लगा दिया तो फिर जो आपका होल रहेगा उसमें आप गो सिरे को प्रवेश कैसे कराएंगे इसको हटाकर थोड़ी प्रवेश कराएंगे ठीक है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक तो साथियों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भाई पढ़ी क्वेश्चन को आराम से पूछा गया है वॉट इज द गेज कि भाई यह कौन सा गेज है तो देखिए कौन सा गेज है भाई पहचान तो कर लेंगे ना सभी देख लेता हूं फिर भी एक बार कमेंट क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हाँ जी देखिए इज द गेज भाई यह है, गेज क्या है तो भाई यह गेज क्या है यह है, खुद क्या है एक गेज ही है ठीक है 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 अब कौन सा गेज गेज तो आप यहां से बता सकते हैं भाई भाई रिंग गेज है, नहीं नहीं वर्ताकार के रूप में नहीं बना हुआ प्रोग्रेसिव है तो भाई दो एंड ही नजर नहीं आ रहे एक सिरे के ऊपर स्नेप गेज है नहीं भाई सी की आकृति का गेज ही नहीं है तो कौन सा गेज बचा टेपर प्लग गेज और किस प्रकार से तो देखिए इसका जो एंड बना हुआ है यहाँ पर जो इसका एंड है इसके ऊपर आपको क्या बना हुआ मिल रहा है भाई एक टेपर आकृति आपको बनी हुई मिल रही है तो गेज का नाम आप बता देंगे टेपर ब्लग गेज और इस गेज का प्रयोग हमेशा टेपर छिद्रों को क्या कर, किया जाता है भाई टेपर छिद्रों की जांच के लिए आप इस गेज का क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं तो साथियों आज की क्लास जो अपनी है इसे अपन यही समाप्त करने चाहेंगे और टोटली मैंने आज की क्लास के अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन हल करवाए हैं ठीक है कल पांच क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ाने की ही प्रयास मेरा रहेगा और देखिए जो भी मेरे प्यारे कैंडिडेट नए आए हैं जिनको भी फिटर पढ़ना हो रोज यूट्यूब के ऊपर आठ बजे लाइव आ जाइए ठीक है भाई हाँ जी और जिनका आरसीडीएफ का एग्जाम है तैयारियों को थोड़ा तेज कीजिए वापस अपने रिविजन को क्या कीजिए स्टार्ट कीजिए और अच्छे से 16 तारीख को आर सी डी एफ की एग्जाम देकर आइए ठीक है साथियों धन्यवाद रात्रि